बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल तड़के वाली। ये देखिए, चने की दाल बनाने के लिए हमने एक कटोरी, देखिए हमने चने की दाल अच्छे से धोकर ले लिया है। इसके बाद देखिए, हम आधी कटोरी, इसमें हाफ कटोरी तुअर अरहर की दाल लेंगे, और इसको बहुत से लोग तुअर की दाल बोलते हैं। आप बताएं आप लोग क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए, अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। देखिए हमने दो टमाटर ले लिए थे, मीडियम साइज़ के थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ का टमाटर हो तो आप एक टमाटर शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, हमने दो तेज़ पत्ते शामिल कर दिए थे, और एक हरी इलायची, और दो से तीन हमने लौंग शामिल कर दी थी। इससे दाल में खुशबू बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए, जो हमने हरे मिर्चे शामिल कर दिए थे, अभी हम उनको काट लेंगे। ये देखिए, इसके बाद हम इसमें एक गिलास हमने पानी शामिल कर दिया है। देखिए मिर्चों को काट लेंगे, और मिर्चे थोड़े मोटे थे, चलिए कोई बात नहीं, मोटे थे अभी गल जाएंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, देखिए एक टीस्पून, देखिए हम हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो नहीं भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसको शामिल करने से दाल का कलर बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, अब हम अपने टेस्ट के हिसाब से, देखिए हमने नमक शामिल कर दिया है, और आप जितना खाते हो उतना शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने इसमें 4-6 से 7 सीटी हमने ले ली थी, दो हमने तेज़ आंच पे और 4 से 5 धीरे आंच पे सीटी ले ली थी। ये देखिए दाल गल चुकी है, और हम टमाटर का छिलका निकाल देंगे, ताकि ये गलता नहीं टमाटर का छिलका। तो हम इसको निकाल दिया है हमने इसको, और इसको अच्छे से देखिए हमको घोट लेना है। इसके बाद देखिए, हम इसमें पानी गर्म करके इसमें शामिल करेंगे। देखिए हमने इसको पतला करा है, अब तड़के की तैयारी करेंगे। ये देखिए, हमने ऑयल गरम कर लिया था, इसमें प्याज शामिल कर दिया है। इसके बाद देखिए, एक साबुत लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हम कड़ी पत्ता शामिल करेंगे, आपके पास हो तो आप शामिल कर देने, स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, कस्तूरी मेथी हम शामिल करेंगे देखिए इसमें, और इसको अच्छे से इन मसालों को भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। आपको होटल वाली दाल बनाना है तो कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर शामिल करिएगा तड़के में, ये देखने में बहुत अच्छी लगती है दाल। ये देखिए, अब हम इसको भी थोड़ा चला देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च को भी। ये देखिए, तड़का तैयार हो चुका है। अब हम देखिए इसको दाल में तड़का लगा लेंगे। देखिए, ये देखिए, तो हमने तड़का लगा लिया है, दाल बनकर तैयार है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की रेसिपी लाते रहें। देखिए, आपको किस तरीके की रेसिपी पसंद है कमेंट में बताइएगा। ये देखिए, अब हम अब हम इसको देखिए, हमने ज़ीरा राइस बना लिया था। इसके बाद हम देखिए इसको दाल को निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए, ज़ीरा राइस और दाल तड़के का बहुत ही अच्छा जोड़ है। देखिए, आप चाहें तो रोटी से भी खा सकते हैं, लेकिन चावल के साथ दाल का ज़्यादा अच्छा जोड़ है। ये देखिए, अब हमने एक मिर्ची इसमें देखिए रख दिया है, और हमने कटी हुई प्याज देखिए हमने इसको रख दिया है। ये देखिए, हमारी प्लेट तैयार है खाने के लिए। ये देखिए, अब हम इसको खाएंगे। देखिए बहुत ही मज़े की बनी थी, प्लीज़ ट्राई ज़रूर करेगा आप लोग।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।